किसी भी देश की जनता के साथ जब अन्याय होता है और स्टेट उनका एक्सप्लोइटेशन करके उनसे उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लेती है या फिर देश में मौजूद सरकार ही भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे में यही भड़की हुई जनता विद्रोह कर देती है और देश में मौजूद शासन व्यवस्था को बदल देना चाहती है। इसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ सार्थक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। जानेंगे वो सभी रीजंस जिनकी वजह से फ्रांस जैसे एक एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव कंट्री में ये रिवॉल्यूशन ब्रेकआउट हुआ। 18th सेंचुरी की बिगनिंग में वर्ल्ड के ज्यादातर हिस्सों पर फ्रांस का ही डोमिनेशन था। चाहे आप नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा ले रहे जो एक फ्रांसी टेरिटरी था, इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज के आइलैंड से अफ्रीका में स्थित मैडगास्कर आइलैंड तक फ्रांस का ही डोमिनेशन था। आर्ट्स और लिटरेचर के फील्ड में फ्रांस की कोई तुलना नहीं थी, कोई एक ऐसी कंट्री नहीं थी जो उससे टक्कर ले सके। यानी कि जो फ्रांस का कल्चर था, फ्रांस की संस्कृति थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थी। इसके साथ साथ फ्रांस का जो रॉयल कोर्ट था यानी कि राज दरबार, वो यूरोप में सबसे ज़्यादा समृद्ध और आकर्षक माना गया, जिसकी वजह से फ्रांस पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंसिव कंट्री होने के बावजूद फ्रांस जैसे देश में क्रांति छिड़ी? तो दोस्तों, इसके चार बेसिक रीजंस हैं और मैं कहूँगा मेन रीजंस हैं। पॉलिटिकल इनफेक्टिवनेस, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और राइटर्स एंड फिलोसोफर्स का इन्फ्लुएंस आम जनता पर। इन सभी रीजंस ने इवेंचुअली इस रिवॉल्यूशन को ब्रेकआउट करवाया। अब हम इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में मोनार्की यानी कि राजवाद था। मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां देश की कंप्लीट पॉलिटिकल पावर्स केवल एक राजा के हाथ में होती है। और मेनली मोनार्की में रूलर्स जो होते हैं वो कभी कभार ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। ऑटोक्रेटिक यानी कि मनमौजी, ना वो किसी की सलाह मानते और ना ही वो किसी के ओपिनियन लेना सही समझते हैं। ऐसा ही हाल कुछ फ्रांस में था। एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रांस का रूलर था लुई 16, जो काफ़ी ज़्यादा मनमौजी होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रावेगेंट राजा था, यानी कि खर्चीला राजा था, जिसे देश की डगमगाती बिगड़ती सोशल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं था, ना ही लोगों के वेलफेयर से। वो केवल अपनी कंफर्टेबल लाइफ जारी रखना चाहता था। लेकिन जो लुई 15 था और शायद लुई 16 ने भी कुछ लोन्स लिए थे युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध फ्रांस इसलिए लड़ता था ताकि उसकी वर्ल्ड में एक डोमिनेंस क्रिएट रहे। अब जाहिर सी बात है, युद्ध में जो एक्सपेंडिचर आता था उतना तो फ्रांस के पास पैसा था नहीं, तो फ्रांस लोन ले लिया करता था। अब जब लोन का इंटरेस्ट लुई 16 पे नहीं चुक रहा था और उसकी जो कंफर्टेबल लाइफ थी वो कंटिन्यू नहीं चल पा रही थी, तो लुई 16 ने डिसाइड किया कि वो आम जनता पर यानी कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन पर कुछ एडिशनल टैक्सेस इम्पोज करेगा, जिससे कि फ्रांस का खजाना भी भर जाएगा और जो लोन का इंटरेस्ट है वो चुकता रहेगा। ऑब्वियसली जो उसकी कंफर्टेबल और लैविशली लाइफ स्टाइल है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि जो देश की जनता है वो ऑलरेडी इतनी दुखी है पुराने टैक्सेस से। रिवॉल्यूशन ब्रेकआउट होने की दूसरी बड़ी वजह रही देश का फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस जैसे देश में लॉस यूनिफॉर्म नहीं थे। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लॉस ऑपरेट किया करते। एक कोई एक्ट जो एक किसी पार्टिकुलर रीजन में लॉफुल होता, वही एक्ट किसी दूसरे रीजन में अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता। और जो ज्यूडिशियल सिस्टम था फ्रांस का यानी कि जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी। आप इसी बात को सोचिए कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर्स होते थे उनकी सरेआम नीलामी होती थी, ऑक्शन होता था जिसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटा लेता वो उन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स का मालिक बन जाता और फिर न्यायदाता और न्यायाधीश का काम करता। यानी कि जिन गरीब लोगों की अमीर लोगों से शिकायत रहती, वही अमीर लोग इन गरीब लोगों को न्याय देने का काम करते। बात यही नहीं रखती, देश का एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए वीक था क्योंकि जो लुई 15 और लुई 16 जैसे रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, जिनका देश के लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। वो देश के लोगों की समस्या नहीं जानते थे कि देश के लोग कैसे परेशान हैं। तो रूलर्स और सब्जेक्ट से बीच में जब कनेक्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फॉल्टी ही करार दे दिया जाता है। तीसरी बड़ी वजह रही रिवॉल्यूशन ब्रेकआउट होने की हैवी टैक्सेशन पॉलिसी। 80% इनकम एक आम इंसान को या फिर मैं कहूँ एक पीजेंट को टैक्स के रूप में स्टेट को पे करनी होती थी, वही किंग्स, नोबल्स और चर्च के मेंबर्स इस टैक्स को पे करने से वंचित थे। फ्रेंच सोसाइटी तीन क्लासेस में डिवाइडेड थी जिनको एस्टेट्स कहा गया। फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जीज की, जिसमें चर्च के प्रीस्ट और चर्च से जुड़े हुए सभी मेंबर शामिल थे। सेकेंड एस्टेट थी नोबल्स की, जिसमें आपके राजा, राजा का परिवार, राजघराने के लोग शामिल थे। थर्ड एस्टेट थी कॉमनर्स यानी कि आम जनता की, इसमें पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड वर्कर्स, टेनेंट्स, स्मॉल लेवल फार्मर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट वर्कर्स और मिडिल क्लास के लोग, और साथ ही कुछ प्रोफेशनल लोग भी शामिल थे जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स। इनकी टोटल पॉपुलेशन फ्रांस की 95% पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट थी। यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट की पॉपुलेशन थी वो फ्रांस की 5% पॉपुलेशन थी।
इसके बावजूद ये 5% पॉपुलेशन इन 95% पॉपुलेशन के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुई थी। थर्ड एस्टेट के लोग ही फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स पे किया करते थे। सरकार को पे किए जाने वाले टैक्स में शामिल था एक डायरेक्ट टैक्स जिसका नाम था टैल। इसके अलावा जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो सरकार को कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे किया करते थे कंजप्शन आर्टिकल्स पे। कंजप्शन आर्टिकल्स लाइक टोबैको, ब्रेड, बटर और आपका ग्रेन्स, इन सभी पर थर्ड एस्टेट के लोग टैक्स पे किया करते। वहीं जो चर्च थी वो पीजेंट से एक टिथे नाम का टैक्स वसूलती थी। टिथे एक ऐसा टैक्स होता था जिसमें पीजेंट को अपना 1/10 यानी कि 10% प्रोडक्शन शेयर चर्च को देना होता था। सपोज अगर एक पीजेंट 100 kg ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 10 kg ऑफ ग्रेन चर्च को देना होगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर कोई एक आम इंसान किसी लोकल ब्रिज को विजिट कर रहा है या फिर सड़क पर चल रहा है या फिर किसी चर्च में होकर आया तो उसको उसका भी टैक्स देना पड़ता था। यानी कि आम जनता पर इस हद तक टैक्स इम्पोज किए गए थे कि वो टैक्स में ही डूबे हुए थे। उनको खाते हुए पीते हुए सब करते हुए टैक्स ही टैक्स देना। फ्रांस में क्लर्जी और नोबल्स की टोटल पॉपुलेशन 5% से भी कम थी, फिर भी फ्रांस का 40% लैंड इन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के ऑक्यूपेशन में ही था। यानी कि जितना लैंड, जितनी जमीन फ्रांस के 2,40,00,000 लोगों के पास थी, लगभग उतनी ही जमीन फ्रांस के फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पास, यानी कुछ 8-9 लाख। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रांस में कितनी क्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। फ्रांस के आम लोगों की स्थिति इतनी ख़राब थी कि कई दफ़ा उनको भूखे पेट सोना पड़ता था और वो एक स्क्वायर मील तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसा इसीलिए होता था, या तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी या फिर ब्रेड के प्राइस इतने बढ़ जाते थे कि वो टैक्स चुकाने के बाद ऐसी कंडीशन में नहीं रहते थे कि वो ब्रेड खरीद के अपना पेट भर लें। इन्हीं शिकायतों को, इन्हीं ग्रीवेंसेस को जब इकट्ठा करके ये लैंडलेस लेबर्स और पीजेंट्स किंग के पैलेस में गए और अपनी व्यथा सुनाई, तो जो वहाँ की महारानी थी मैरी एंटोनेट, जो कि एक बहुत ही खर्चीली और लैविशी लाइफस्टाइल जीने वाली थी, वो इन लोगों से कहती है, इफ़ द पीपल डोंट गेट ब्रेड देन व्हाई दे डिड नॉट ईट केक्स। यानी कि अगर लोगों को ब्रेड नहीं मिल रही तो वो केक क्यों नहीं खाते। ये क्रुएलिटी का एक्सटेंट था जो फ्रांस में एग्जिस्ट करता था बिफोर द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रूलर्स किसी ना किसी वॉर में इंगेज रहते थे, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो या फिर किसी भी कंट्री का इंटरनल वॉर। अब जाहिर सी बात है, युद्ध लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो इन फ्रेंच रूलर्स के पास पैसा कहाँ से आता था? पैसे की दो सोर्स थी। पहली कि जो इन रूलर्स ने अपनी देश की जनता पर टैक्स इम्पोज किया हुआ था उसका पेमेंट कलेक्ट कर लेना। दूसरी सोर्स थी मनी लेंडर से लोन ले लेना, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि जो फ्रेंच रूलर्स थे, मेनली लुइस 15 एंड लुइस 16, ये अपनी आलिशान जिंदगी से कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। यानी कि इनके लिए इनकी लेविशी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस वजह से फ्रांस कर्ज में डूबता चला गया। और ये हालत बद से बदतर तब हो गई जब लुइस 16 लोन का इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहा था। ऐसे समय में उसने तय किया कि वो अब देश की आम जनता पर कुछ और नए टैक्सेस इम्पोज करेगा। इसीलिए उसने नोबल्स और पार्लियामेंट के साथ इस बात पर चर्चा करी, जिस बात को पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया और कह दिया कि आप बिना एस्टेट जनरल की मीटिंग के ये नए टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते। यानी कि आपको एस्टेट जनरल की एक असेंबली कंडक्ट करवानी होगी। अब इस बात से लुइस 16 प्रोवोक हो गया और उसने पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर डाला। लोगों को पता चल चुका था कि लुइस 16 उन पर नए टैक्सेस इम्पोज करने वाला है, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन बिगड़ती हुई हालातों को देखकर लुइस 16 ने फिर फाइनली मंजूरी दे दी कि हाँ, आप एस्टेट जनरल के इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हो। 1614 के बाद, ये 175 ईयर्स के बाद, अब 1789 में होने जा रहे थे ये इलेक्शंस। फाइनली जब इलेक्शंस कंडक्ट हो गए तब 5th of May 1789 को वो दिन चुना गया जिस दिन ये असेंबली कंडक्ट होने जा रही थी। यानी कि 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट से, 300 सेकंड से और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव मिलने जा रहे थे वर्सेल्स के एक ग्राउंड में, जहाँ पे ये डिसाइड होना था कि नए टैक्सेस कैसे इम्पोज होंगे या होंगे भी नहीं। दोस्तों, 5th of May 1789 ये वही दिन था जिस दिन से फ्रांस में क्रांति छिड़ी। जिन जॉन रॉसो, जॉन वोल्टेयर और मोंटेस्क, ये ऐसे तीन इंटेलेक्चुअल्स थे जिनका प्रभाव फ्रेंच सोसाइटी के कॉमन मासेस यानी कि आम इंसानों पर काफ़ी गहरा रहा। जिन जॉन रॉसो ने नोबल्स के बर्थ प्रिविलेजेस और फ्यूडल सिस्टम को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से। इसमें इन्होंने राजा द्वारा प्रजा पर किए जा रहे अत्याचारों को हाईलाइट किया। इसके साथ साथ ये लिखते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यानी कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है फिर भी वो जंजीरों में जकड़ा है। जॉन वोल्टेयर एक लिबरल थिंकर थे। उनका मानना था कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही बेकार है। वो एथीस्ट नहीं थे, फिर भी चर्च में परफॉर्म होने वाले मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स एंड राइट्स को वो क्रिटिसाइज किया करते, क्योंकि वो ये समझते थे कि चर्च ही देश में
ऑटोक्रेटिक मोनार्की और इनजस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं मोंटेस्क डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, जो चाहते थे कि देश में एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जहाँ पे पावर का डिवीजन हो इक्वल वे में, जैसे कि अमेरिका में था। वहाँ पे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव। ठीक वैसे ही मोंटेस्क फ्रांस में चाहते थे। अब जब इन्हीं फिलोसफर्स और राइटर्स की आइडियोलॉजी लोगों में फैलनी शुरू हुई और लोग जागरूक हुए इनसे इन्फ्लुएंस होकर, तो उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू करी। अब इस रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ, इस रिवॉल्यूशन से फ्रांस की सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, क्या टैक्स और मोनार्की एबोलिश हुए, इसके आफ्टरमैथ यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या रहे रिवॉल्यूशन के, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।